हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी 50 के उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस हफ्ते सबसे ज्यादा प्रॉफिट में गए हैं, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन स्टॉक्स में कैसी रणनीति रखनी चाहिए। इसके साथ ही आपसे इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो इस हफ्ते का हमारा पहला स्टॉक अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 5 जनवरी 2024 को 1154 रुपए और 25 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 12.68% यानी कि 129 रुपए और 90 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1160 रुपए है और 52 वीक लो 395 रुपए और 10 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 1014 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अप साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 1161 रुपए और 80 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 1187 रुपए और 90 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 1216 रुपए। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 1099 रुपए और 60 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 1047 रुपए और 45 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 991 रुपए और 25 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से डाउनसाइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस हफ्ते का हमारा दूसरा स्टॉक ONGC लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 5 जनवरी 2024 को 216 रुपए और 45 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 5.56% यानी कि 11 रुपए और 40 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 217 रुपए और 50 पैसे है और 52 वीक लो 140 रुपए और 10 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 203 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अप साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 220 रुपए और 15 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 225 रुपए और 15 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 228 रुपए और 70 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 209 रुपए और 75 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 203 रुपए और 85 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 192 रुपए और 30 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से डाउनसाइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस हफ्ते का हमारा तीसरा स्टॉक अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 5 जनवरी 2024 को 3006 रुपए और 60 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 5.53% यानी कि 157 रुपए और 65 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 3880 रुपए है और 52 वीक लो 1017 रुपए और 45 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 2725 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अप साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 3020 रुपए और 95 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 3152 रुपए और 5 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 3382 रुपए और 20 पैसे।
अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 2730 रुपए और 35 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 2507 रुपए और 5 पैसे, और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 2286 रुपए और 90 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से डाउनसाइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस हफ्ते का हमारा चौथा स्टॉक बजाज फाइनेंस लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 5 जनवरी 2024 को 7711 रुपए और 15 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 5.23% यानी कि 383 रुपए और 40 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 8192 रुपए है और 52 वीक लो 5485 रुपए और 70 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 7145 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अप साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 7837 रुपए और 20 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 8002 रुपए और 10 पैसे, और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 8179 रुपए और 20 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 7647 रुपए और 90 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 7428 रुपए और 5 पैसे, और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 7208 रुपए और 20 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से डाउनसाइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस हफ्ते का हमारा पांचवां स्टॉक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 5 जनवरी 2024 को 1122 रुपए और 95 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 3.33% यानी कि 36 रुपए और 15 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1131 रुपए और 15 पैसे है और 52 वीक लो 686 रुपए और 60 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 1076 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अप साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 1133 रुपए और 85 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 1150 रुपए और 80 पैसे, और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 1166 रुपए। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 1082 रुपए और 30 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 1012 रुपए और 30 पैसे, और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 962 रुपए और 5 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से डाउनसाइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश होता हुआ नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक किसी भी दिशा में जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनमें कोई बाई सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।